बॉलीवुड टैब्लॉइड, योर ऑनलाइन बॉलीवुड न्यूज़पेपर। बकौल जानेसार अख्तर के, उन्होंने एक बार कहा था गजल पे शेर कि हमसे पूछो गजल क्या है, गजल का फन क्या है, चंद लफ्जों में कोई आह छुपा दी जाए, मतलब कोई का जवाब नहीं है। और फिर बशीर बदर ने कहा कि आहिस्ता गजल पढ़ना ये रेशमी लहजा है, तितली की कहानी है, खुशबू की जबानी है। तो ये मकसद कहने का ये है कि बहुत ही बारीक बात है ये, और उसको समझना। और जगजीत साहब की बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चित्रा जी बैठी हैं इतने, मैं तो उनको काफ़ी मतलब, उनका जो ईपी आया था आपका पहले, जो दो दो रिकॉर्डिंग थी ना, वो जब से मैं सुन रहा हूँ, तो वहाँ से अब तक इतना उन्होंने काम किया है, इतना इतना उन्होंने। और एक ख़ास बात आपको बताऊँगी, और चित्रा जी भी जानती हैं ये, उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐसे शोरा को उनका कलाम गाया जो जो लोग जानते नहीं थे, और उनके गाने के बाद उशार का नाम मशहूर हो गया। चित्रा जी बताएंगी आप, वो किताब वो मैगजीन्स में ढूंढते थे और कोई अच्छी लग जाती गजल तो वो रिकॉर्ड करते और फिर ढूंढते थे ये शायर किधर है ये। हाँ सर, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। और जानते थे, वो उर्दू से वाकिफ थे, गजलिया से वाकिफ थे, गजल की रूह से वाकिफ थे, और ये बहुत ज़रूरी है। मैं ये अक्सर मुझसे लोग पूछा करते हैं कि आप लोगों के बाद जो नई पीढ़ी है वो क्या करेगी। मैंने कहा जो जो करना चाहेगा वो करेगा, लेकिन उसको सब्र जरूर, सब्र की ज़रूरत है। ये अचानक आज थोड़ा गजल सीख लिया या गा दिया तो ये नहीं मत समझो कि आपने गजल गा दी। गजल कोई गा नहीं सकता, गजल को महसूस किया जाता है, महसूस करने के लिए एक लंबा सफ़र है, उसके लिए तैयारी चाहिए, उसके लिए एक बहुत ही डेडिकेशन चाहिए, जो ये सब लोगों में था। अब हमें भी तकरीबन, अभी मैं सोचता हूँ तो 34 साल हो गए, अनूप और हम अभी यार सीनियर हो गए हम बहुत यार। रिटायर होने वाले। आज महसूस किया? नहीं नहीं नहीं, मैं महसूस नहीं कर रहा, मैं तो अभी एक्टिंग कर रहा हूँ। तो एनीवे, बस बस और क्या कहूँ, मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ। क्या 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 क्या, नहीं मैं गा रहा था कुछ, वो नहीं यार, देखिए वो बात नहीं है, वो तो हो गया। मैं फिर मुंबई आया और कौन सा गाना था, मैं ये पूछ रहा हूं। मैं क्या कर, मैं कुछ गा, मैं कुछ गजल गा रहा था, मुझे खुद याद नहीं है। मेरा मकसद कहने का था उनकी जो एक तबीयत जो थी ना, वो बताने वाजे कर। हाँ, और बहुत ये उनका तसलसल था, ये ऐसा नहीं कि उसके बाद बदल गए, वो आखिरी दम तक वो ऐसे ही थे। मतलब और एक बात आपको बताऊं, ये बताएंगी नहीं आपको, ये शर्माएंगी। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे ऐसे लोगों की मदद की जो हकदार थे, और किसी को भी नहीं पता लगा, इवन चित्रा जी को भी नहीं पता लगा। क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड।